नमस्कार, द वीपीएन टीवी में आपका स्वागत है। बीते दिनों पैगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इसे लेकर चीन की ओर से बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। चीन ने उस इलाके में भारी संख्या में सेना और टैंकों की तैनाती कर दी है। चीन के ये सैन्य साजो सामान वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 20 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैगोंग के मोल्दों में चीन की ये तैयारियां LAC से बहुत दूर नहीं हैं। इन्हें भारतीय सेना के द्वारा आसानी से देखा जा रहा है। इसी के साथ ही चीन ने तिब्बत में स्थित दो हवाई अड्डों पर अपने लड़ाकू विमानों की संख्या भी बढ़ानी शुरू कर दी है। ये लड़ाकू विमान Sukhoi-30 बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने भी क्षेत्रों में टैंकों और पैदल सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई है। भारत की फौजें महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात हैं। सेना के पास वहां एंटी गाइड मिसाइल, रॉकेट तथा अन्य महत्वपूर्ण युद्धक उपकरण हैं। इसके अलावा भारत के पास पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत T-72M1 टैंक के अलावा मिसाइल सशस्त्र T-90 भारी युद्धक टैंक भी हैं। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सेना प्रमुख बाल मुकुंद नरवणे बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात तनावपूर्ण हैं। हमने LAC पर अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य बलों की तैनाती की है। सेना प्रमुख ने कहा, हमें यकीन है कि भारत बातचीत के जरिए समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जा सकता है। सेना प्रमुख कल गुरुवार को LAC से सटे चुशूल सेक्टर का दौरा करने आए थे। भारत और चीन की वायुसेना ने अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इनमें हर समय पेट्रोलिंग या प्रदर्शन किया जा रहा है या नहीं। वहीं LAC के अलावा उत्तर भारत के कई एयरबेसों पर तैनात भारत के कई लड़ाकू विमान भी चीन को करारा जवाब देने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।